तो हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लड़के लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि लड़की लोग को एक मिनट में या एक सेकंड में ही फंसा के रखते हैं। और कैसा रहता है ना कि शादीशुदा होने के बाद भी वो लड़के लोग क्या करते हैं, किधर भी जाते हैं बाहर, क्या बोलते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई और मेरे पास बीवी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं और मैं एकदम अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, ऐसा कोई भी बोले, कोई भी आदमी। तो मैं उन बहन लोग से बात कर रही हूँ, उन भाइयों से बिल्कुल भी दूर रहो, क्योंकि वो ना इतने चंट होते लड़के लोग ना कि वो किसी को भी नहीं बख्शते, यहाँ तक कि अपने घर परिवार वाले इंसान को भी नहीं बख्शते। इसलिए मैं बोल रही हूँ उन बहन लोग से, ऐसे इंसान से ना बहुत ही दूर रहिए। और जहाँ तक है माँ बाप है ना, अगर किसी लड़की की रिश्ता लग रहा है, अगर उसके माँ बाप नहीं है, तो मैं उन लोग से हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे बंदे से अपनी बेटी की शादी मत करना, नहीं बहुत मतलब ऐसा रोना होगा और आपकी बेटी ज़िंदगी भर ऐसे रोती रहेगी, कभी उसको ना तो प्यार मिलेगा, ना सोते ना जागते ना उठते बैठते कभी भी वो बच्ची चैन नहीं पाएगी, उसको चैन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शादी सबसे बड़ा ज़िंदगी का रिस्क होता है। अगर आगे वाला जो रहता है हस्बैंड वो अच्छा मिला तब तो अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं मिला तो पूरी ज़िंदगी ऐसा नहीं क्या रोना पड़ेगा। इसलिए मैं विनती करती हूँ उन माँ बाप से कि जिस लड़के के पास माँ बाप ना हो उसके मतलब उससे अपनी लड़की की शादी ही मत कीजिए, क्योंकि वो नहीं क्या एक उड़ता पंछी जैसा होता है, नहीं क्या वो किसी को भी नहीं बख्शते, वो ऐसा इंसान। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर हमारी बात सच है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा।